हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसके अंदर हम देखने वाले डायरेक्शन डिस्टेंस का कोडेड बेस्ड रिलेशन। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है कोडेड बेस्ड डायरेक्शंस, ये आते हैं आपके मेंस लेवल के अंदर। प्रीलिम्स का जो टॉपिक होता है डायरेक्शन का, वो बेसिक लेवल का, उसकी हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप जाकर के उसे देख सकते हैं। आज जो हम देख रहे हैं टाइप टू, ये मेंस लेवल का पार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कोडेड बेस्ड डायरेक्शन को एग्जाम में कैसे सॉल्व किया जाए, उसके लिए हमको कैसे शॉर्टकट और अप्रोच रखना चाहिए ताकि एग्जाम वाला जल्दी से क्वालिफाई हो सके। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ए डॉलर एट द रेट और स्टार के में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखा है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमको दे रखा है। तो इस एंड का जो साइन है, इसका मतलब क्या इसने दिया है? इसने दिया साउथ है। इस साइन का मतलब जो है वो है साउथ। फिर है डॉलर साइन। डॉलर के बाद आप देख रहे हैं एट द रेट की भी साइन है, स्टार भी है। इन सब के अलग अलग मीनिंग दिए गए आपको। तो डॉलर का मतलब इसने बोला नॉर्थ डायरेक्शन है, एट द रेट का मतलब बोला ईस्ट डायरेक्शन है, और स्टार का मतलब बोला है वेस्ट डायरेक्शन है। तो याद रखिए इसने बोला है ए एंड बी, ए इज द साउथ डायरेक्शन ऑफ बी, यानी कि ए जो है साउथ में है किसके? बी के। उसे बोला है पहले लाइन का मतलब। दूसरी लाइन क्या बोला है? ए डॉलर बी मीन्स ए इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ बी, यानी कि ए जो होगा नॉर्थ में है किसके? बी के नॉर्थ में है। कुछ ये बताए गए, तो ये वाली बात भी हो गई। ए एट द रेट बी मीन्स ए इज इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ बी, यानी कि ए जो होगा ईस्ट डायरेक्शन में है किसके? बी के। आगे बोला इसने ए स्टार बी मीन्स ए इज इन द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ बी, तो जो ए है वो वेस्ट डायरेक्शन में है किसके? बी के। तो कुछ आपको ये बताया गया है, तो इसी के बिहार पे कुछ क्वेश्चन पूछेगा उनका हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। यस, तो सबसे पहले हमने देखा था एट द रेट। एट द रेट का मतलब है गिवन ईस्ट, तो मैं लिख रहा हूँ इस एट द रेट का मतलब है ईस्ट डायरेक्शन। एंड वाला साइन है, एंड साइन का मतलब होता है साउथ डायरेक्शन। डॉलर साइन है, डॉलर का मतलब क्या होता है? नॉर्थ डायरेक्शन। तो याद रखिए सबसे पहले इसने ए को रखा है, फिर बी को रखा है। उस हिसाब से अगर इसने बोला है जे एट द रेट के, तो मीनिंग बन जाएगा जे इज द ईस्ट ऑफ के, यानी जो जे होगा वो ईस्ट में है किसके? के ईस्ट में। तो हम एक काम कर सकते हैं, डायरेक्टली इस तरह से बनाते हैं जे जो है ईस्ट में के। आगे इसने बोला के इज द साउथ ऑफ एम, जो के है वो साउथ में है। किसके साउथ में है? एम के साउथ में। आगे इसने बोला एम इज द नॉर्थ ऑफ एन, जो एम है ना वो नॉर्थ में है, यानी कि एम नॉर्थ में किसके? एन के। तो एम नॉर्थ में किसके? एन के नॉर्थ में। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है, यदि एम नॉर्थ में तो ऐसा भी तो पॉसिबल था कि एन जो है के बाजू में आ जाए। भाई एन के नॉर्थ में आना चाहिए एम, यहाँ पे भी हो सकता है। और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि एन का प्लेस यहाँ आ जाए। भाई हमको पता है कि एन के नॉर्थ में आना चाहिए एम, तो एन के नॉर्थ में आ गया। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पॉसिबिलिटी है, एग्जामिनर आपको यहीं पे कंफ्यूज करेगा और आप यहीं पे गलती करने वाले हैं। जब इसने बोला कि एम नॉर्थ में एन के, तो एन का प्लेस कहीं भी हो सकता है, वो के अबव भी हो सकता है और के बिलो भी हो सकता है और के बराबर भी हो सकता है। अब आपका क्वेश्चन कहता है देन एन इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू जे, यानी कि एन कौन सी डायरेक्शन में है? जे के रेस्पेक्ट में। तो जे के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो वो यहाँ भी हो सकता है, एन यहाँ भी हो सकता है और एन यहाँ भी हो सकता है। इसके हिसाब से देखोगे तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, एक डायरेक्शन ही होगी जे के रेस्पेक्ट में एन। इसके हिसाब से देखोगे तो वेस्ट में भी हो सकता है, और इसके हिसाब से देखोगे तो साउथ वेस्ट भी हो सकता है। तो हमारे पास में तीन तीन आंसर आ रहे हैं। जब कन्फर्म आंसर ना मिले और एक से ज़्यादा आंसर आ जाए तो वहाँ आप टिक करते हैं क्या? सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट आ रहा था तो वो भी ऑप्शन दे रखा था, 90% स्टूडेंट इसको देख के अभी क्लिक कर देते हैं। कई बार देखो साउथ वेस्ट भी दे रखा है, तो इस तरीके के ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। तो सही आंसर जो बनेगा यहाँ पे फिलहाल के लिए ऑप्शन नंबर ही बनेगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, पहला वाला क्वेश्चन हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब इसने बोला है पी स्टार क्यू, तो स्टार का मतलब हम जानते क्या है? वेस्ट। तो मैं लिख देता हूँ स्टार का मतलब वेस्ट है, एंड का मतलब क्या है? एंड का मतलब है साउथ, ये साउथ हो जाएगा। स्टार का मतलब अपने पहले देखा ही था वेस्ट है। तो चलो फिर से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। लिखा हुआ पी स्टार क्यू मतलब पी इज द वेस्ट ऑफ क्यू, जो पी है वो वेस्ट में किसके? क्यू के। तो क्यू के वेस्ट में आ गया पी। फिर बोला क्यू इज द साउथ ऑफ आर, जो क्यू है ना वो साउथ में किसके? आर के। तो क्यू साउथ में है आर के। आगे इसने बोला आर स्टार एस, यानी कि आर इज द वेस्ट ऑफ एस, आर जो है वेस्ट में है किसके? एस के। तो देखो इसने बोला आर जो है वेस्ट में है किसके? एस के। तो एस यहाँ होगा, आर वेस्ट में है किसके? एस के। तो ये स्ट्रक्चर बन गया। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा था देन एस इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू पी, तो पी के रेस्पेक्ट में कहाँ पर है? एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। स्टार का मतलब है यहाँ पे वेस्ट, बिल्कुल सही लिखा है। एंड का मतलब साउथ है, स्टार का मतलब यहाँ पे वेस्ट है। तो
तो पी वेस्ट में है क्यू के, तो पी वेस्ट में है क्यू के, ये भी क्रॉस चेक हो गया। क्यू इज द साउथ ऑफ आर, क्यू साउथ में है आर के, ये भी क्रॉस चेक हो गया। आर इज द वेस्ट ऑफ एस, तो आर वेस्ट में है, ठीक है मैंने क्रॉस चेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इसने पूछा है देन एस इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू पी, तो एस कहाँ पर है, क्योंकि देखो ये मुझे डाउट इसलिए हुआ, मैंने इसको दोबारा से चेक किया क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन सा दे दिया है। ये क्वेश्चन मैंने वही उठाए जो मेंस एग्जाम में आपसे पूछे गए, तो मुझे लगा इतना सिंपल क्वेश्चन कैसा आ सकता है, कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो एस यहाँ पर है पी के रेस्पेक्ट में, अगर देखा जाए तो ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ है और उस तरफ जाएंगे तो ईस्ट है, तो यानी कि ये इस तरफ में है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा नॉर्थ ईस्ट, तो सही आंसर बनेगा नॉर्थ ईस्ट। तो एक बार अपन चेक कर लेते हैं, फर्स्ट का हमारा आंसर ई आया था और सेकंड का आंसर हमारा ए आया, तो क्या हमारा आंसर सही है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर इन्होंने दिया है ई और सेकंड का आंसर ए, बिल्कुल सही जवाब है हमारा। तो यहाँ से हमने क्रॉस चेक कर लिया कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, फर्स्ट का ही सी एन डी आया था और सेकेंड का नॉर्थ ईस्ट आया था, ठीक है जी। तो चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं, यहाँ से मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर पूछिए, तो अब तो आपको समझ में आ चुका है इसका थीम क्या है, तो चलिए बनाते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है, डॉलर का मतलब साउथ है, हैशटैग का मतलब ईस्ट है और एंड का मतलब वेस्ट है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। परसेंटेज, तो परसेंटेज का मीनिंग क्या है, परसेंटेज का मतलब है नॉर्थ, लिख लिया हमने। हैशटैग का मतलब क्या है, हैशटैग का मतलब है ईस्ट। परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब है फिर से नॉर्थ। एंड साइन दे रखा है, एंड साइन का मतलब है वेस्ट। हैशटैग दे रखा है, हैशटैग का मतलब क्या है, ईस्ट है। और परसेंटेज दे दिया, परसेंटेज का मीनिंग हमने पढ़ा था नॉर्थ है, तो बस इसको आप बनाते जाइए जैसे जैसे बोला गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एम परसेंटेज के मीन्स एम इज द नॉर्थ ऑफ के, जो एम होगा वो नॉर्थ में है, किसके, के नॉर्थ में है, ठीक है। आगे इसने बोला जे हैशटैग के, यानी कि जे ईस्ट में है के, जे इज द ईस्ट ऑफ के, तो जे जो है ईस्ट में है किसके, के के। आगे इसने बोला जी इज द नॉर्थ ऑफ जे, जो जी है नॉर्थ में जे के। अब देखो ये पॉसिबिलिटी है, इसने बोला जो जी है वो नॉर्थ में किसके, जे के, तो ऐसा भी हो सकता है कि जी जो हो ना वो यहाँ आ जाए बिल्कुल एम के सामने, और ऐसा भी हो सकता है कि जी है ना वो यहाँ आ जाए यानी कि एम के रेस्पेक्ट में, तो और ऐसा भी पॉसिबल है कि जी को हम यहाँ बिठा सकते हैं। तो ये कई सारी पॉसिबिलिटी देखने को अपने को मिल रही है, तो इसलिए अपन कन्फर्म फाइनल स्ट्रक्चर के अंदर जी का प्लेस फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे या फाइनल भी नहीं कर पाएंगे, बस इतना याद रखना जे के नॉर्थ में जी आएगा या जी नॉर्थ में जे के। तो ये पॉसिबिलिटी थी भाई जे के ऊपर ही आना चाहिए जी, तो ऊपर आ रहा है वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है होल्ड में रखता अपन इस पॉसिबिलिटी को, अपन यहाँ तक इस चीज़ को देख चुके थे। आगे लिखा है एच एंड जी, यानी कि एच इज द वेस्ट ऑफ जी, जो एच है ना वो वेस्ट में है जी के। अब एच वेस्ट में है जी के, तो हो सकता है कि एच इधर आ जाए, एच इधर आ जाए, एच इधर आ जाए, तो मैं कन्फर्म नहीं बिठा पाऊंगा, यानी कि पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है। आगे इसने बोला एन हैशटैग एच मीन्स एन इज द ईस्ट ऑफ एच, जो एन है ना वो ईस्ट में है एच के। अब देखो एन जो है ईस्ट में एच के, इसका मतलब एन का प्लेस, फिर से एक पॉसिबिलिटी थी एन ईस्ट में है एच के, तो एन का प्लेस इधर भी हो सकता है, हो सकता है जी के बाजू में एन आ जाए, हो सकता है आगे जाके एन देखने को मिल जाए, ठीक है एक बात ये हो गई। आगे बढ़ते हैं, जो दे रखा है पहले वो देख लेते हैं, बाकी आगे दिमाग चलाएंगे अपन। एच परसेंटेज एम, यानी कि एच नॉर्थ में है एम के, तो एच जो है नॉर्थ में है एम के, तो एम के नॉर्थ में एच है, तो एम के नॉर्थ में एच है तो ये आ जाएगा एच। और हम जानते हैं जी के वेस्ट में एच था, यानी कि ये सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, ये वाली पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है। तो ये आपको समझ में आ जाए कि जी के वेस्ट में एच है तो जी के वेस्ट में एच आ गया, और जे के नॉर्थ में जी है तो जे के नॉर्थ में जी आ गया। तो एक काम करता हूँ, ये जो जी एक्स्ट्रा में इनको हटा लेते हैं हम यहाँ से, ये हटा लिया हमने, ठीक है। तो ये वाली हमारा फाइनल स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो इसने बोला एच के ईस्ट में एन है, तो एच के ईस्ट में एन समवेयर कहीं यहाँ भी हो सकता है, और कहने का मतलब है वो जी के बगल में भी हो सकता है एन, यानी कि जी के प्लेस पर, और आगे भी हो सकता है, बात समझ में आ रही है। तो सेकंड पॉसिबिलिटी अपन ने ले ली है, तो एन के प्लेस अभी फाइंड आउट नहीं है, बस एच के ईस्ट में यानी कि इस तरफ में एन कहीं पे है। तो ये अपना फाइनल स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, के इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू जी, बताइए के कहाँ पर है जी के रेस्पेक्ट में। तो जी जी के रेस्पेक्ट में अगर के को देखा जाए तो ये तो प्लेस फाइंड आउट है, के का प्लेस भी कन्फर्म है, जी का प्लेस भी कन्फर्म है, तो नीचे की ओर तो साउथ और इस तरफ तो वेस्ट, तो के जो है जी के रेस्पेक्ट में साउथ वेस्ट में, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाए अपन तो साउथ वेस्ट विल बी द आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन का हमारा जो आंसर आया है वो क्या है, ई, तो थर्ड का ई वास्तव में आंसर, चेक कर लेते एक बार, तो यस थर्ड का आंसर ई है, बिल्कुल सही है, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन था, इसको भी मैं आपको बाद में दिखा दूंगा।
ठीक है, तो थर्ड का आंसर ये आ चुका है आपका। और आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन कहता है इफ जेड इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन फॉर्म बिटवीन एच एंड जी, अगर जेड ठीक मिड पॉइंट में है किसके, एच और जी के, ये रहा एच और जी, इसके ठीक बीच में कौन है, जेड अवेलेबल है। ठीक है, ये जो जेड है ठीक एच और जी के बीच में बैठा हुआ है, कुछ ये बोला गया। आगे क्वेश्चन ने पूछा है तो बताइए देन जेड इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू एन, तो बताइए जेड कहाँ होगा एन के रेस्पेक्ट में, तो एन के रेस्पेक्ट में जेड कहां पर है, वो ईस्ट में भी हो सकता है, अगर मैं ये वाला एन मानता हूं तो इस एन के रेस्पेक्ट में जेड कहां पर, ईस्ट में है, लेकिन अगर मैं इस वाले एन और इस वाले एन को देखता हूं तो इनके रेस्पेक्ट में वो वेस्ट में है, तो ईस्ट या वेस्ट कहीं भी हो सकता है। और अगर हम कंफर्म नहीं कह पाएंगे तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, सी एंड डी, कन, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ई। तो चेक करो फोर्थ का आंसर ऑप्शन नंबर ई है क्या, तो फोर्थ का आंसर ऑप्शन नंबर ई है। तो इस तरीके से आपने कंफर्म आंसर में, तो इसको बोलते हैं कोडेड बेस्ड डायरेक्शन रिलेशंस। ठीक है, कोडेड बेस्ड डायरेक्शन के जो क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से सिंप्लीफाई करें, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलो और आगे बढ़ते देखते कुछ नया क्या है यहाँ पे। तो 3-4 का क्वेश्चन ये था, एंड की पॉसिबिलिटी थी, हमें कंफर्म नहीं पता था, तो हमारा आंसर भी कुछ ये आया था। अगर आपको ना विश्वास हो तो फिर से दिखा देते हैं, तो अपना स्ट्रक्चर भी कुछ ये बना था। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये हमारा फाइनल आंसर था, तो इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया था। सो आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ये हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 to 7। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्यों, सबसे मेन जो क्वेश्चन है वो यही है यहाँ पे। अब यहाँ बोला गया पी हैशटैग क्यू, अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन में कहता है पी हैशटैग क्यू था, तो पहले पी आता था फिर क्यू आ रहा था, पी आ रहा था फिर क्यू आ रहा था। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि अब इसने क्या कर दिया, क्यू को आगे कर दिया और पी को बाद में ले आया, पहले किसको लिया है, क्यू को लाया फिर पी को लाया, तो आपका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ पी हैशटैग क्यू, मतलब क्यू साउथ में पी के, अगर हमारा एफ एट द रेट सी है तो एट द रेट का मतलब क्या है, ईस्ट है, तो हमको ऐसे नहीं माना कि एफ जो है ईस्ट में है, यहाँ पर सी वेस्ट में है एफ के, तो उल्टा हो जाएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे पहले ए दे रखा है फिर बी दे रखा है, तो यहाँ पर डायरेक्शन में भी पहले ए है फिर बाद में बी है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो इसमें क्या हो रहा है, पहले पी है लेकिन यहाँ पर पहले क्यू दे दिया, बाद में क्यू है लेकिन बाद में इसने किसको दे दिया, पी को दे दिया। तो ये एक मेंस लेवल का क्वेश्चन है जहाँ पे एग्जामिनर चाहता है कि आप गलती करें, आपकी नेगेटिव मार्किंग हो, ताकि आपको गेम से बाहर कर सके और आपके लिए गेम ओवर हो जाए, लेकिन अपने को गेम से बाहर नहीं जाना, अपने को गवर्नमेंट जॉब पक्का उठा के लेके आना है, तो उसके लिए आपको गेम से आउट नहीं होना है, आपको गेम में बने रहना है, और बने रहने के लिए एक बार सीखना पड़ेगा कंसेप्ट क्या है, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हो तो मान के चलो आपको कोई नहीं हरा सकता उस गेम के, उस गेम के आप खिलाड़ी, उस गेम के आप टाइगर हो, उस गेम के सिकंदर हो, तो आपको कोई ना हरा पाए, उसके लिए अप्रोच देखो और सीखो क्या होता है। तो यहाँ पर इसने बोला है हैशटैग, हैशटैग का मतलब क्या, साउथ, तो इसने क्या करा, उल्टा कर दिया, तो हम भी उल्टा कर देंगे, हैशटैग इसने बोला ना तो हम हैशटैग को क्या मान लेंगे, हैशटैग इसने साउथ बोला है तो हम नॉर्थ मान लेंगे। हम पढ़ेंगे वही कि एफ एट द रेट सी, तो एट द रेट का मतलब ईस्ट है ना, तो अपन एफ को ईस्ट में बिठाएंगे, लेकिन अपन यहाँ पर डायरेक्शन चेंज कर देंगे, इसने क्यू को उल्टा कर दिया तो अपन उसको चेंज कर देंगे, क्योंकि इससे जो हमारा काम होगा ना वो ईजी हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब क्या, नॉर्थ, तो मैं परसेंटेज का मतलब क्या मानने वाला हूँ, परसेंटेज का मतलब मान लेंगे हम साउथ। एट द रेट बोला है तो एट द रेट का मतलब मैं क्या मान सकता हूँ, इसने बोला ईस्ट तो मैं मान लूंगा इसको वेस्ट मान लूंगा। फिर इसने बोला है स्टार, स्टार की यदि बात कर ली जाए तो स्टार का मतलब होता है वेस्ट, तो मैं मान लूंगा ईस्ट। आप देख सकते हो चारों डिफरेंट डायरेक्शन आ गए, कोई भी सेम रिपीट नहीं हो रही है। अब देखो इसने बोला हैशटैग स्टार, हाँ, तो आप जानते हो डायरेक्शन के अंदर साउथ वेस्ट ये बोल रहा है, ये साउथ होता है ये वेस्ट होता है, तो साउथ वेस्ट का रिवर्स क्या होता है, साउथ वेस्ट का रिवर्स क्या होता है मुझे बताओ, ये नॉर्थ होता है ये ईस्ट होता है, तो साउथ वेस्ट का रिवर्स जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट। तो आप याद रखेंगे हैशटैग और स्टार का मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। अब ये बोलता है परसेंटेज एट द रेट, परसेंटेज एट द रेट का मतलब क्या बोला उसने, नॉर्थ ईस्ट बोला, तो नॉर्थ ईस्ट का रिवर्स क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट का रिवर्स हो जाएगा साउथ वेस्ट, गॉट इट। तो ये चीज हो जाएगी यहाँ पे, तो ये अपन ने डायरेक्शन समझ ली है, और अपने को गेम समझ में आ गया कि गेम क्या चल रहा है, इस गेम के अपन खिलाड़ी बन गए, अब बस सिंप्लीफाई करना बाकी है। एफ एट द रेट सी, इसको चेंज कर लिया अपन ने, अब इसको हिराने की अपने को कोई जरूरत नहीं। एट द रेट का मतलब अपन ने क्या लिखा है, वेस्ट, लिख लो वेस्ट। हैशटैग का मतलब अपन ने क्या लिखा है, हैशटैग का मतलब है नॉर्थ, लिख लिया नॉर्थ। स्टार का मतलब अपन ने क्या लिखा है, स्टार का मतलब अपन ने लिखा ईस्ट। हैशटैग का मतलब अपन ने क्या लिखा है, हैशटैग का मतलब अपन लिखा नॉर्थ। अब ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रू है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा ये बोल रहा है कि ये वाली बात बिल्कुल ट्रू है, तो आप पता लगाइए ई और एफ के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या रहने वाला है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे इजीली। कैसे करोगे, पहले इसको बनाओ स्ट्रक्चर, एफ वेस्ट में है सी के,
एफ जो है वेस्ट में है सी के, सी जो है नॉर्थ में है बी के, जो सी है वो नॉर्थ में है किसके, बी के नॉर्थ में है। उसके बाद में बी जो है ईस्ट में है डी के, जो बी है वो ईस्ट में है डी के। अब यहाँ पॉसिबिलिटी है, जो बी है ना वो डी के ईस्ट में है, तो हो सकता है समवेयर कहीं डी यहाँ हो जाए, समवेयर कहीं एफ के जस्ट बिलो आ जाए। अभी एफ और सी के बीच में डी है, अभी डी यहाँ आ जाए, हो सकता है डी यहाँ आ जाए। तो ये एक पॉसिबल प्लेसेस हैं इसकी डी की। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर इसने क्या बोला, बी ओ डी की बात हो चुकी है, फिर इसने बोला डी हैशटैग एन, यानी कि डी इज द नॉर्थ ऑफ ई, जो डी है वो नॉर्थ में है किसके, ई के। तो जो डी है वो नॉर्थ में है किसके, ई के। तो एक बात ये हो गई, और कुछ बचा है वापिस देख लेते हैं। एफ वेस्ट में है सी के, तो एफ वेस्ट में है सी के, बिल्कुल सही बात है। सी नॉर्थ में है बी के, बिल्कुल सही बात है, सी नॉर्थ में है बी के। फिर इसने बोला बी स्टार डी, यानी कि बी की अगर हम बात करें तो जो बी है वो यहाँ पे ईस्ट में है डी के, तो बी जो है ईस्ट में डी के, ठीक है। और डी हैशटैग एन, तो डी जो है नॉर्थ में है एन के, सॉरी डी जो नॉर्थ में ई के, ठीक है। अब देखो ये चीज़ अपने को कैसे पता लगी, अपन ने एक चीज़ को स्किप कर दिया था, ये है वो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का भी तो कुछ ना कुछ मतलब होगा। तो चलो इसने बोला है हैशटैग, हैशटैग की बात करें तो हैशटैग का कहाँ पे दे रखा, मीनिंग यहाँ दे रखा है। तो उसने पहले एट द रेट दे रहा, तो उस पर ही फोकस कर लेते, एक काम करते हैं। एट द रेट कब बात करी, तो एट द रेट का मतलब होता है 3 मीटर, यानी कि एफ और सी के बीच का डिस्टेंस 3 मीटर है। ओके, तो फिर इसने बोला सी हैशटैग बी, हैश का डिस्टेंस हो कितना रहेगा, हैश के अंदर डिस्टेंस दे रखा 5 मीटर, तो सी और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर है, ठीक है। फिर इसने बोला बी स्टार डी, तो स्टार के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा, स्टार का मतलब होता है 6। ओके, स्टार का मतलब 6 है, यानी कि बी और डी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 है। तो आप अनुमान लगा सकते हो बी और डी के बीच का यदि डिस्टेंस 6 है, तो यहाँ से एफ और सी के बीच में हम डी को रख नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस 6 होना चाहिए। एफ के नीचे मैं डी इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक तो 3 का ही डिस्टेंस है, तो मुझे यहाँ यहाँ पर रखना पड़ेगा डी को, यानी कि एफ से थोड़ा आगे की तरफ। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो जाएगी, तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको, बाकी दो डी को, और मुझे समझ में आता है ये हो जाएगा आपका 6 मीटर, ठीक है। डी और बी के बीच में 6 मीटर का डिस्टेंस है। फिर है हैशटैग, हैशटैग का मतलब कितना बताता है, डिस्टेंस 5 मीटर, यानी कि ये डी और ई के बीच का जो डिस्टेंस है ना, डी और ई के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर, तो ये हो जाएगा 5 मीटर। तो मुझे समझ में आ गया, यदि यहाँ पर डी है तो ई को कहाँ आना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 5 हो गया। अब हमारे क्वेश्चन ने क्या ही पूछा है, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ भैया ई और एफ के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो ई और एफ कैसे निकालोगे। तो देखो ये तो हो जाएगा आपका ई, ठीक है, और यहाँ से एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ये ई और एफ उठाएंगे अपन, ये हो जाएगा। उसके बाद में ये वाली चीज़ भी हमको निकालनी पड़ेगी, ये एफ यहाँ पर है पॉइंट, उसके बाद में ये ई और एफ निकल गया जाएगा। तो आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, ठीक है। अपन अप्लाई करते हैं और निकालते हैं आंसर। देखो जी करना क्या है आपको, यहाँ पे वो समझो, हमको पता है ये जो टोटल डिस्टेंस है 6 थी इसके हिसाब से नीचे, और यहाँ तक कितनी 3 है, तो रिमेनिंग जो बच गया यानी कि बेस वो कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। परपेंडिकुलर की यदि हम बात कर लें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 है, वापस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, 5 है, तो आपका जो परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा 10। अब हमको निकालना हाइपोटेनस, शॉर्टेस्ट जिससे हमको बोलते हैं हाइपोटेनस को फाइंड आउट करना। तो फाइंड आउट किया जाए, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, प्रिपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कुछ ये बोला गया। प्रिपेंडिकुलर कितना, 10 है, तो 10 की स्क्वायर कर देंगे प्लस बेस, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, ये निकल कर आएगा। 10 का स्क्वायर आपको अच्छे से पता है 100 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो 100 प्लस 9 109 हो गया। अब जब एच के ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √109 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखा जाए तो √109 विल बी द आंसर। तो हमारा जो आंसर आएगा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर वो हो जाएगा डी। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाए फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी है। तो एक काम करते हैं पीछे आंसर में चेक कर लेते हैं इन्होंने क्या दिया है, फिफ्थ का डी दिया क्या, तो यस फिफ्थ का डी आंसर दिया है, और जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था सेम वही स्ट्रक्चर इसने भी बनाया। चलो तो ये चीज़ हो गई, यहाँ पे वापस अपने बैक टू द पॉइंट पर आते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 किस तरीके से सिंप्लीफाई किया गया, याद रखिए मेंस लेवल है, टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो या तक यहाँ तक पहुँच चुके हो, तो मान के चलो आप बाकी लोगों से बहुत आगे जा चुके हो, ठीक है ना। क्योंकि कोरिलेट बेस्ड जो रिलेशन का जो पैटर्न है ना, ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है, ये हर किसी को आता नहीं, मार्केट में बिल्कुल नया है, और जो नया है अगर आपको पता उसके बारे में
तो आप ही सीख अंदर हो, अगर बाकियों को नहीं पता है तो मान के चलो वो तो वैसे ही गेम से बाहर हो जाएंगे। चलो ये तो क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, इसको हटा लेते हैं यहाँ से हम। तो ये मैंने यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 हटा दिया है, आपको समझ में आ चुका होगा। सो अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, उसके अंदर नया क्या है। तो मेंस लेवल जब पढ़ रहे हो तो दिमाग को वैसे प्रिपेयर कर लो कि हाँ मेंस लेवल पढ़ने हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, इसने बोला स्टार के स्टार एल एंड द, इसमें भी आपको क्या पता लगाना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एंड एंड के। तो स्टार की बात हो रही है, स्टार का मतलब होता है ईस्ट, ठीक है जी, ईस्ट है। परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब एस है, मतलब साउथ है। एट द रेट का मतलब क्या है, वेस्ट है। ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ट्रू है, तो आपको बताना है एन और के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। तो के इज द ईस्ट ऑफ एल, जो के है वो ईस्ट में है किसके, एल के। आगे क्या बोला इसने, एल इज द साउथ ऑफ एम, जो एल है वो साउथ में किसके, एम के। तो एम के साउथ में पहले रफ स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एम इज द वेस्ट ऑफ एन, एम जो है ना वो वेस्ट में किसके, एन के। तो एम जो है वो वेस्ट में एन के, पॉसिबिलिटी कि वो एल और के बीच में आ जाए एन, पॉसिबिलिटी ये भी के सामने आ जाए एन, पॉसिबिलिटी कि वो आगे भी चला जाए। अब अपन पता कैसे लगाएंगे इनके, ये जो हमको सिंबल दे रखे हैं इनके बिहाफ पर। स्टार, स्टार का मतलब है, स्टार का मतलब देखो क्या बोला, स्टार का मतलब है 6 मीटर, यानी कि के और एल के बीच का जो डिस्टेंस हो कितना होगा, 6 मीटर। ये 6 मीटर हो गया जी। एल परसेंटेज एम, परसेंटेज का मीनिंग क्या दिया है, परसेंटेज का मतलब है 4 मीटर, यानी कि एल और एम के बीच की दूरी 4 मीटर है, तो ये हो जाएगी 4 मीटर। ठीक है, इसको अपन वापस से फेयर आउट कर लेंगे। पहले समझो, एम एट द रेट एन, एट द रेट की मतलब क्या है, इसका डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर, यानी कि एम और एन के बीच की दूरी 3 मीटर ही है। तो आपको समझ में आ जाए कि इसने बोला था लास्ट में, एम जो वेस्ट, एम जो है वो वह वेस्ट में है एन के, एम वेस्ट में है एन के, और एम और एन की दूरी कितनी है, 3 मीटर। इसका मतलब इसको अंदर की ओर आना पड़ेगा, ये एम और एन, ये कितना डिस्टेंस, 3 हो जाएगा, यानी कि के सामने भी नहीं और के आगे भी नहीं। तो ये इसका फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको फिर से बना के दिखा देता हूँ, ये एम है और ये एल है, इसके बीच का डिस्टेंस 4 मीटर हो गया, और यहां से एल से हम आगे ले लेते के, तो इसको मैं मिटा लेता हूँ, और इसके हिसाब से एल और के का बीच का डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर है। तो यहाँ पर आ जाएगा के और यहाँ पर आ जाएगा 6। फिर इसने बोला एम और एन के बीच का डिस्टेंस 3 है, तो इसका मतलब समवेयर के एन यहाँ पर हो और यहाँ पर क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो ये अपना फाइनल स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा है, आसान है, बस पूछने का तरीका ट्रिकी है, समझ रहे हो बात को। चलो अब इसने क्या पूछा है वो देखते हैं और समझते हैं। इसने पूछा है एन और के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो ये एन है और ये के है, तो इसको कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर भी आपको शॉर्ट डिस्टेंस निकालनी, मतलब जब भी आपको ऐसे टिल्टेड लाइन निकालनी हो उसका मतलब समझ लो, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो हमको ये एन और के फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ से राइट एंगल की बात हो रही है तो इसको हम पता लगा लेंगे। तो हम जानते हैं कि बेस और परपेंडिकुलर मैटर करेगा, हाइपोटेनियस हमको फाइंड आउट करना ही है, ये हमको पता लगाना है। तो बेस की यदि बात की जाए तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस पूरी जो 6 है, 6 में से 3 अगर कवर हो गई तो रिमेनिंग जो बच गई कितनी होगी, 3, यानी कि बेस तुम्हारा 3 है। परपेंडिकुलर की यदि बात कर ली जाए तो ये 4 है, तो ये हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा, 5। देखो ये ट्रिपलेट्स रेशियो आपको बताऊंगा मैं, एक अप्रोच एक चार्ट दूंगा मैं आपको, उसको पढ़ लेना आंसर आ जाएगा। तो ये 3, 4, 5 होता है, 6, 8, 10 होता है, और इस तरह के कई सारे रेशियो होते हैं, वो कर लोगे भाई। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, 3 की स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 प्लस 16 कितना होता है, 25 होता है, और 25 किसका स्क्वायर है, 5 का है। तो बेसिकली इजीली हम इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा बी, चेक कर लो एक बार क्या इन्होंने 6 का आंसर बी दिया है। तो ये 6 का आंसर इन्होंने क्या दिया है, बी दिया है। तो इस तरीके से हमने इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 की अपन बात करते हैं एक बार, तो मैं यहाँ से इसको इरेज कर लेता हूँ, इनका काम खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं अपन, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी वाली बात है, क्योंकि अपन ने भी हैशटैग और स्टार इनका यूज़ नहीं किया है, मे भी यहाँ देखने को मिले या हो सकता है अगले क्वेश्चन में आ जाए। तो अपन ने 5 और 6 सॉल्व कर लिए, अब 7th की बारी है। इस सबको हटा लो यहाँ से ताकि थोड़ा सा दिखने में फेयर आउट हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हो आप यहाँ पे, और बोला गया सी परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब हमने निकाला था साउथ, इसका मतलब है साउथ। फिर परसेंटेज का मतलब साउथ है, एट द रेट का मतलब क्या, वेस्ट है। तो मतलब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इतना कुछ खास दिया नहीं इसने, मे बी आगे कुछ दे दें। तो सी जो है, अच्छा एट द रेट भी मैंने, मेरी नज़र नहीं गई इसके ऊपर, एट द रेट का मतलब क्या है, देखो परसेंटेज एट द रेट का मतलब अपन ने क्या रखा था, साउथ वेस्ट। तो ये क्या है, साउथ वेस्ट है।
सी परसेंटेज एट द रेट, देखो दो सिंबल आ रहे हैं, अगर नहीं भी दिखाओ तो मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, ध्यान से देखो, परसेंटेज और एट द रेट दे रखा है आपको यहाँ पे। तो परसेंटेज एट द रेट का मतलब क्या है, साउथ वेस्ट, यानी कि सी जो है साउथ वेस्ट में एच के। परसेंटेज का मीनिंग क्या दिया है इसने, साउथ दे दिया है, ठीक है साउथ है। एट द रेट का मीनिंग क्या दिया है, वेस्ट दे दिया, खत्म कहानी। सो अब अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सी इज द साउथ वेस्ट ऑफ एच, तो मैंने बोला सर्टेन पॉइंट है, आप देखो सी जो है ना साउथ वेस्ट में एच के, तो पर्टिकुलर इस डॉट वाले प्लेस पर एच है और इसका साउथ वेस्ट होगा, ये साउथ है ये वेस्ट है, तो सी जो है ना वो साउथ वेस्ट में किसके, एच के। तो यहां पर आ जाए एच, सॉरी सी आ जाएगा, क्योंकि सी तो ऑलरेडी, एच ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहां पर रख देंगे किसको, सी को। सी इज द साउथ वेस्ट ऑफ एच। आगे क्या बोला इसने, एच इज द साउथ ऑफ जे, एच जो है ना वो साउथ में है किसके, जे के। तो एच जो है साउथ में आ गया जे का, और एक ये भी हटा लो आप, इसका कोई काम नहीं है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे खामो खाम। अब इसने बोल दिया एच इज द साउथ ऑफ जे, तो एच साउथ में जे के। आगे बोला जे एट द रेट आर, यानी कि जे इज द वेस्ट ऑफ आर, जे वेस्ट में है किसके, आर के, जे इज द वेस्ट ऑफ आर, कुछ बात ही हो गई है। अब क्या पूछा रहा है, देन आर इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू सी, तो आर कौन सी डायरेक्शन में है सी के रेस्पेक्ट में। तो आर की बात करें तो सी के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ डॉट बना लो, यहाँ से देख लेंगे तो सी से ऊपर ही आर, यानी कि नॉर्थ में, और इस तरफ है यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट हमारे ऑप्शन में आंसर है क्या, ठीक है, तो सेवन का आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं आंसर, यस सेवन का आंसर ए है, तो हमने जब चेक किया तो सेवन का आंसर हमारा क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट आ गया। सो इस तरीके से यहाँ पर हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हमने 5 to 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। और अगली वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा कुछ नया पैटर्न लेकर आऊँ आप लोगों के लिए, और नया पैटर्न है भी मेरे पास, और यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ ये क्वेश्चन भी है, तो मैं चाहता हूँ एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, और इसका मैं आपको सॉल्यूशन भी देता हूँ ताकि अगली वीडियो के अंदर आपको सॉल्व करा सकूँ, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है और इसका सॉल्यूशन यहाँ पर है। तो अपना आई होप पिछले वाले पेज का और इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपको जो फोकस करना है वही करना है, 8th का आंसर सी है, 9th का आंसर बी है, 10th का आंसर ए है, कुल मिला के ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चलो ये वाला 8 to 10 जो बच गए अपन अगली क्लास में, अगली वीडियो में करेंगे, आज के इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप आपने जो पढ़ा आपको समझ में आया होगा, अगर फिर भी कहीं कुछ कन्फ्यूज़न कोई डाउट रह जाता है तो आपके पास में कमेंट बॉक्स है, आप उस कमेंट बॉक्स अपना क्योरी लिख के भेज सकते हो, जो प्रॉब्लम है जो कन्फ्यूज़न है, तो फिर उसको मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा, उसके ऊपर एक नई नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।